ये जो मशीन है ये है डेल की तरफ से इंस्पिरॉन 14, जो एक 2-in-1 लैपटॉप है। 2-in-1 लैपटॉप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप स्क्रीन पे भी टच कर सकते हो। स्क्रीन टचिंग सेंस भी आगे मैं बता ही दूंगा कि कैसी है इसकी। तो आज मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूं इसी मशीन का जो है डेल इंस्पिरॉन 14 2-in-1 लैपटॉप। हाय, दिस इज सचिन शर्मा। सो विदाउट फेसिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओवरऑल डिजाइन और लुक के बारे में बात करूं तो जो इसका डिजाइन है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। जो इस लैपटॉप का वेट है वो अराउंड 1.5 केजी के आसपास आ जाता है। जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है, प्लास्टिक का यूज हुआ है, काफी हार्ड प्लास्टिक है। हिंच में आपको कोई प्रेसिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि जो ये हिंच है वो दब नहीं रही है। जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी है। अगर आप इसको सिंगल हैंड खोलना चाहोगे तो ये सिंगल हैंडली नहीं खुलता है, ये ऊपर की तरफ आ जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी हिंज को खोलोगे तो यहाँ पे आपको 14 इंच की स्क्रीन मिल जाती है और ये एक काफी ज्यादा अच्छी स्क्रीन है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। जो बटन्स और कीबोर्ड है इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा है। पोजीशंस जो बटन की है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। जो ट्रैक पैड है इसमें उसकी जो पोजीशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। काफी बड़ा ट्रैक पैड यूज किया गया है। सिंपल रखने की कोशिश की गई है इस लैपटॉप को। सिर्फ एक सिंगल आपको स्टिकर दिखता है पूरे लैपटॉप में जो आपके प्रोसेसर को बता रहा है। इसमें जो प्रोसेसर डेल ने यूज किया है वो है इंटेल का i3 प्रोसेसर 11 जनरेशन का, जो 1125G4 प्रोसेसर है। और इसकी जो क्लॉक स्पीड आ जाती है वो 3.2 हर्ट्ज के आसपास आ जाती है और ये मैक्सिमम बूस्ट पे i4 तक तो आपको लेके ही जाएगा। विंडोज 10 का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो अपनी विंडो को तो आप इजीली विंडोज 11 पे भी इसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करूं तो इसमें आपको इंटेल का ही UHD ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो इसका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। यानी कि ग्राफिक कार्ड उतना मैं सही भी नहीं बोलूंगा, बेकार भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ग्राफिक कार्ड है, ये अच्छी बात है। इसमें मेमोरी के बारे में बात करूं तो आपको इसमें इनबिल्ट 8 जाती है और SSD आपको मिल जाती है 512 GB की। इसमें आपको M2 स्लॉट अलग से भी मिल जाता है, अगर आप मेमोरी को बढ़ाना चाहते हो तो इजीली बढ़ा सकते हो। रैम को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 14 इंच की आपको डिस्प्ले इसमें मिल जाती है। फुल FHD डिस्प्ले है ये, 90:20:1080 का रेशो आपको ये प्रोवाइड कर सकती है। इसमें जो अलग से एक चीज आपको मिल जाती है डेल एक्टिव पेन, इसका मॉडल नेम है PM350M और ये अभी मैं आपको सीरियसली बताऊं तो जो ये पेन है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आपको बिल्डिंग्स बनानी है, स्केचिंग करनी है, नोट्स लेने हैं और स्टूडेंट्स जैसे क्लासेस में जाते हैं और पलाइट पैड पे आप नोट्स लेते हो ना, वैसे ही नोट्स आप इस लैपटॉप पे भी ले सकते हो। लेकिन आपको एक सच्ची बात बताऊं, इस पेन में अभी बैटरी नहीं है। हमने बहुत कोशिश की है इसकी बैटरी हमारे को कहीं मिल जाए। अगर इन फ्यूचर मुझे कभी ये लैपटॉप फिर से मिला तो मैं आपको इसकी जो पेन की पूरी स्पेसिफिकेशन है वो बता दूंगा। लुक में आपको बता देता हूं, जो पेन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अराउंड 10 ग्राम का इसमें आपको वेट मिल जाता है। दो बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एक इरेज करने के लिए होता है और एक अगर आपने मार्क करना हो तो उसके लिए भी होता है। काफी सारे फंक्शनिंग आपको इस पेन के थ्रू मिल जाते हैं। इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करूंगा। इस लैपटॉप में आपको जो कीबोर्ड मिल जाता है वो बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है। सिंगल लाइट आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसकी ब्राइटनेस ना तो आप कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो। इंप्रेसिव लगी है मुझे इसका जो कीबोर्ड है, इसकी बैकलाइटिंग ठीक ठाक है। अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हो, टाइप करना है तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। वाईफाई 6 का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। 5.1 ब्लूटूथ वर्जन आपको इसमें मिल जाता है। एडाप्टर के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 65 वॉट का एडाप्टर मिल जाता है और ये जो लैपटॉप है ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको 41 वॉट आवर की बैटरी डेल ने इंस्टॉल करके दी है। 3 सेल वाली बैटरी है ये, लिथियम आयन बैटरी है ये। लेफ्ट साइड के पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग कनेक्टर, जहां से आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे चार्जिंग लाइट मिल जाती है जो इंडिकेट करती है कि आपका लैपटॉप चार्जिंग पे लगा है या नहीं।
HDMI पोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है, 1.4B की आउटपुट ये दे सकता है। इसमें आपको USB 3.1 जनरेशन फर्स्ट वाली टाइप ए का भी सपोर्ट मिल जाता है, साथ में यहाँ पे USB टाइप सी का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जो ये USB टाइप सी है, यहाँ से आप पावर डिलीवरी भी कर सकते हो, वीडियो भी प्ले कर सकते हो, यानी कि अगर आपने अपने लैपटॉप को दूसरी स्क्रीन के साथ भी अटैच करना है तो आप इजिली कर पाओगे। राइट हैंड साइड के पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, मेमोरी कार्ड अगर आपके पास कैमरा है और आप लगातार फोटोज खींचते रहते हो तो मेमोरी कार्ड निकाल के आप इसमें डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है USB 3.1 फर्स्ट जनरेशन टाइप ए, और लास्ट में आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑडियो जैक कॉम्बो। जब आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हो, हिंज को ओपन करते हो, तो ये स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे जो वेंट है आपके एयर वेंट्स है उसके लिए जगह बनाने के लिए ये जो स्क्रीन है, हिंच है, इसको थोड़ा डाउन की तरफ रखा गया है। स्पीकर्स के बारे में बात करूं तो जो इसके स्पीकर्स हैं वो डाउन साइड में दिए गए हैं, काफी ज्यादा लाउड स्पीकर्स हैं, तो मैं आपको बता भी देता हूं। टच स्क्रीन आपको इसमें मिल जाती है, जैसे अगर मुझे कोई भी सॉन्ग या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले करना है तो आप इजीली कर सकते हैं टच के थ्रू। तो मैं आपको अभी साउंड टेस्ट भी करके बता देता हूँ, काफी इम्प्रेसिव साउंड लगी है मुझे इसकी। तो NCS म्यूजिक में कोई भी प्ले कर देता हूँ तो आप खुद ही जान पाएंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि आपको इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा। तो साउंड जो है इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगी है मुझे, जो इसके एयर वेंट्स हैं वो भी अच्छी जगह पोजीशन में लगाए गए हैं। वैसे तो अगर जो आपको वेंट दिखाई दे रहे हैं यहीं पे इसके एयर वेंट है, जो फैन है, जो आपकी CPU की गर्म हवा है वो यहीं से आएगी। बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा अच्छा है इसका, आप पूरा दिन वीडियो देख सकते हो, बेंच वॉचिंग कर सकते हो। साथ में जो स्क्रीन है मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी है इसकी स्क्रीन, और ऑब्वियसली मैं आपको शॉर्ट्स बता भी दूंगा। और जब आप बात करते हैं इसके, इसमें आपको जो वेबकैम मिलता है वहां पे स्लाइटली बटन मिल जाता है आपको, यानी कि आप अपने वेबकैम को बंद भी कर सकते हो। सपोज करो जैसे हैकिंग के सिस्टम आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं तो आप चाहते हो कि कोई आपको ना देख पाए, तो यहाँ से आपको एक बटन मिल जाता है जिससे शल्टर बटन बोलते हैं इसको, जिससे आप अपने वेबकैम को बंद कर सकते हो। दोस्तों कुछ ये है इसका वेबकैम, जो इसकी क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक ही लगी है, 720 का आई होप ये वेबकैम होगा। और जो माइक की साउंड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस लैपटॉप की माइक कैसा लगा है। आपका जो ये लैपटॉप है ये 360 डिग्री के एंगल पे पूरा का पूरा मूव हो सकता है, अगर आपको अब काम करना है इस पे, इसको आपको टैब बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो, कोई भी मूवी आप इसमें जो डाउनलोड की है वो आप इजीली देख सकते हो। जो इसकी स्क्रीन की क्वालिटी है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। माउस पैड का जो साइज है मुझे डिसेंट लगा है, काफी ज्यादा अच्छा है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, अगर आप 3 फिंगर से अप करोगे तो आपको मल्टी विंडोज दिख जाएगी, आप वैसे ही डाउन करोगे तो आप होम स्क्रीन पे भी आ सकते हो। सपोज करो कि आपने कोई वेबसाइट खोल रखी है गूगल पे तो आप स्क्रॉल करना चाहते हो डाउन साइड को, तो आप इजिली 2 फिंगर से उसको स्क्रॉल कर सकते हो, और अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है तो आपको सिंपली सिर्फ पिंच करना पड़ेगा माउस पैड पे, तो आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। जो इसका स्क्रीन है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, जो टच सेंसिटिविटी है इसकी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, हर एक कोना स्क्रीन का अच्छे से टच हो रहा है, फिंगर्स जेस्टर्स भी काफी अच्छे से चल रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये जो लैपटॉप था मेरे पास i3 जनरेशन वाला था, इसमें आपको 2 मॉडल्स और मिल जाते हैं, जिसमें आपको राइजन 5 1500U का प्रोसेसर मिल जाता है, और एक आपको मिल जाता है i7 11 जनरेशन का, जो दोनों की प्राइसिंग है वो दोनों की अलग अलग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई चीज मुझसे छूट गई है और आपकी तरफ से कोई सुजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन अगर आपको अभी तक रेड दिख रहा है तो प्लीज उसको ग्रे कर दें, ताकि आप टेक बख्शी फैमिली का एक पार्ट बन जाएं। अपना ख्याल रखें,
एनवायरमेंट का ख्याल रखें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।